हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14A। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ए बी एंड सी ओल्ड पार्टनर्स है जिनका रेशियो दिया हुआ है 2:2:1। ओल्ड रेशियो है ये। दे एडमिट डी फॉर 1/6 शेयर इन द फर्म। उन्होंने डी को एडमिट किया। डी आया 1/6 शेयर से। डी का न्यू रेशियो दिया हुआ है 1/6 शेयर। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसमें हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इस क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने से पहले हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14A। ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है एंड न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो दिया हुआ है। तो केस वन में हमने क्या पढ़ा था, जब आपके क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो दिया हो एंड न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो दिया हो, उस केस में हम कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। लेट द टोटल प्रॉफिट प्रॉफिट बी वन। मान लेंगे टोटल प्रॉफिट वन है एंड डी को कितना शेयर दिया गया, शेयर गिवन शेयर शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन टू डी इज इक्वल टू 1/6। डी को 1/6 शेयर दिया गया। इसके बाद हम रिमेनिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस वन में से हम न्यू पार्टनर के शेयर को माइनस कर देंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा 1 - 1/6। एलसीएम निकालेंगे हो जाएगा 6। 1/6 = 6, 6 = 6 - 6 = 6, 1 = 1। ये हो जाएगा 5/6। रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया 5/6। अब हम इन तीनों पार्टनर्स का न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। न्यू रेशियो इज इक्वल टू, पहले ए का करेंगे। ए का ओल्ड रेशियो कितना है, 2/5। ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है पार्टनर्स का, 2:2:1। ए का ओल्ड रेशियो है 2/5। ए के ओल्ड रेशियो से हम इनटू करेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट को 5/6। कितना हो जाएगा ये, 2 × 5 = 10 / 5/6 = 30। डिवाइड भी हम इसको कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1/3। इससे कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाता है। बी का देखिए ओल्ड रेशियो कितना है, 2/5 इंटू रिमेनिंग प्रॉफिट 5/6। 5 × 5 = 5, 2 × 2 = 2, 3 = 6। ये भी सेम हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट सी का करेंगे। सी का ओल्ड रेशियो कितना है, 1/5 इंटू रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है, 5/6 इज इक्वल टू, पहले डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 1/6। तो देखिए ए बी एंड सी का न्यू रेशियो आ गया। डी का ऑलरेडी गिवन है आपकी क्वेश्चन में 1/6। चारों पार्टनर्स का न्यू रेशियो आ गया। न्यू रेशियो इज इक्वल टू 1/3 = 1/3 = 1/6 = 1/6। एलसीएम निकाल देंगे, ये हो जाएगा 6 × 3 = 6 = 2 × 3 = 6 = 2 × 6 = 6 × 1 = 1 एंड ये भी हो जाएगा 1। न्यू रेशियो देखिए आ गया 2:2:1:1। इसके बाद अब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, पहले ए का कैलकुलेट करेंगे। ए का ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:2:1 2/5 - न्यू रेशियो अभी हमने कैलकुलेट किया ए का, 2/6। ये हो जाएगा 2/6। एलसीएम निकालेंगे, ये हो जाएगा 30। 5 × 6 = 30, 6 × 2 = 12 - 6 × 5 = 30, 5 × 2 = 10 12 - 10 ये हो जाएगा 2/30। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया ए का 2/30। बी का करेंगे। बी का ओल्ड रेशियो कितना है, 2/5 - न्यू रेशियो कितना है, 2/6। कितना हो जाएगा ये, एलसीएम हो जाएगा 30। 5 × 6 = 30, 6 × 2 = 12 - 6 × 5 = 30, 5 × 2 = 10 ये भी सेम हो जाएगा 2/30। अब देखिए हम सी का कैलकुलेट करेंगे। सी का ओल्ड रेशियो कितना है, 1/5 - न्यू रेशियो कितना है,
वन अपॉन सिक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, 5 6 30, 6 1 6 माइनस 6 5 30, 5 1 5 ये हो जाएगा 1 अपॉन 30। देखिए तीनों ओल्ड पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। डी तो न्यू पार्टनर है तो डी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना नहीं है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ए बी एंड सी, कितना हो जाएगा ये, ए एंड बी का कितना है 2:2 एंड सी का है 1, ये हो जाएगा 2:2, 2:1। आंसर मैच करिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 2:2, 2:1 ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बी, ये भी सेम ऐसे ही है, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। देखिए ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। ए एंड बी दो पार्टनर्स है जिनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 5:3। सी इज एडमिटेड टू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। सी एज अ न्यू पार्टनर आया 1/4 शेयर से, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसमें हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना है एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना है। तो पहले हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। देखिए इसमें भी ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है एंड न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो दिया हुआ है, तो न्यू रेशियो हम अकॉर्डिंग टू केस 1 कैलकुलेट करेंगे। लेट द टोटल प्रॉफिट डी 1, सी को कितना शेयर दिया गया, शेयर गिवन टू सी इज इक्वल टू 1/4, सी को 1/4 शेयर दिया गया। अब देखिए रिमेनिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 - 1/4, कितना हो जाएगा ये 1/4, 4 1/4 एंड -1 ये हो जाएगा 3/4, रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया 3/4। इसके बाद हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे, ए का करेंगे पहले, ए का ओल्ड रेशियो कितना है 5/8 इंटू रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आया 3/4, कितना हो जाएगा ये 5 3 15 / 8 4 32, ये हो गया। बी का देखिए, बी का ओल्ड रेशियो कितना है 3/8 इंटू रिमेनिंग प्रॉफिट है 3/4 इज इक्वल टू 3 3 9 एंड 8 4 32, ए एंड बी का न्यू रेशियो आ गया। सी का ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में गिवन है 1/4, न्यू रेशियो इज इक्वल टू 15/32 - 9/32 - 1/4, एलसीएम हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 15:9:4 8 32 8 1 8, कितना हो गया ये 15:9:8, न्यू रेशियो देखिए, आंसर मैच करिए 15:9:8। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। ए एंड बी दो पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 7:3। सी वॉज एडमिटेड, ए सरेंडर्ड 1/7 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। इसमें देखिए ए एंड बी का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, सी एडमिट हुआ एंड उसके आगे क्या लिखा हुआ है, ए ने अपने में से 1/7 दिया एंड बी ने अपने में से 1/3 सरेंडर किया। तो इसमें हमें अकॉर्डिंग टू केस 3 न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। केस 3 में हमने क्या पढ़ा था, जब ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो दिया हो एंड उसके साथ ये लिखा हो कि ओल्ड पार्टनर ने न्यू पार्टनर को कितना कितना शेयर सरेंडर किया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इज ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू 7/10 एंड इसके बाद हम निकालेंगे ए ने अपने में से कितना शेयर सी को दिया, ए सरेंडर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ सी। ए के ओल्ड रेशियो से हम ए का जितना फ्रैक्शन दिया उसको इनटू करेंगे 1/7, पहले हम डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 1/10, कैलकुलेट हो गया। ए ने अपने में से 1/10 शेयर सी को दिया। अब देखिए बी का करेंगे, बी सरेंडर शेयर ऑफ प्रॉफिट
इन फेवर ऑफ सी। इससे पहले हम ये लिखेंगे बीज ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू बी का ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है 3/10। बी के ओल्ड रेशियो से हम बी ने जितना फ्रैक्शन सरेंडर किया उसको इनटू करेंगे 1/3। पहले हम डिवाइड कर देंगे 3 1 3 एंड 3 1 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/10। तो देखिए हमने निकाल लिया कि ए ने अपने में से 1/10 शेयर सी को दिया एंड बी ने अपने में से 1/10 शेयर सी को दिया। अब देखिए हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। न्यू रेशियो इज इक्वल टू पहले ए का करेंगे, ए का ओल्ड रेशियो कितना है 7/10 माइनस ए ने अपने में से कितना दिया 1/10, कितना हो जाएगा ये 7-1 ये हो जाएगा 6/10। बी का करेंगे, अगर इसको हम डिवाइड कर ले तो भी सही होगा 6 2 3 6 एंड 2 5 10 ये हो जाएगा 3/5। बी का देखिए, बी का ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है 3/10 माइनस बी ने अपने में से कितना दिया 1/10, कितना हो जाएगा ये 3-1 2/10 डिवाइड कर लेंगे ये हो जाएगा 2 1 2 एंड 2 5 10 ये हो जाएगा 1/5। देखिए हमने केस 3 में क्या पढ़ा था, केस 3 में न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो गिवन नहीं रहता है, हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ए ने अपने में से कितना दिया 1/10 प्लस बी ने अपने में से कितना दिया 1/10, इन दोनों के शेयर को हम ऐड कर देंगे तो सी का न्यू रेशियो आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 1+1 इज इक्वल टू 2/10 डिवाइड कर देंगे ये हो जाएगा 2 1 2 एंड 2 5 10 ये हो जाएगा 1/5। न्यू रेशियो तीनों पार्टनर्स का आ गया, देखिए 3:1:1 न्यू रेशियो इज इक्वल टू 3/5:1/5:1/5 कितना हो जाएगा ये 3:1:1 हो गया। न्यू रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बहुत सिंपल होता है कैलकुलेट करना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ए का करेंगे हम, ए का ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है 7/10 माइनस न्यू रेशियो कितना आया 3/5 एलसीएम निकालेंगे ये हो जाएगा 10 10 1 10 1 7 7 माइनस 5 2 10 2 3 6 7-6 ये हो जाएगा 1/10। ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया। अब देखिए बी का हम करेंगे, बी का ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है 3/10 माइनस न्यू रेशियो कितना है 1/5 एलसीएम हो जाएगा 10 10 1 10 1 3 3 एंड 5 2 10 2 1 2 ये हो जाएगा 1/10। सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी आ गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ए एंड बी का 1/10 इज टू 1/10 ये हो जाएगा 1:1। सो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15 हमने कंप्लीट कर लिया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का भी आंसर देखिए 1:1। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 ए एंड 16 बी करेंगे। So if you like my video then please like, share and comment and do subscribe my channel. Thanks for watching.